टॉपिक हम लोग ने थर्ड टॉपिक स्टार्ट किया था। वन थिंग आई टू टेल यू इज दिस, आज मैं ये थर्ड टॉपिक कंप्लीट करने वाली हूँ, राइट। जैसे ये थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का, मैं व्हाट आई विल डू, मैं आप पॉलिटिकल टॉपिक स्टार्ट करूंगी। सो आई विल टेल यू विद नाम के, फिर वो आपका एक साथ ऐसे एक साथ आपका टेस्ट, मतलब हिस्ट्री के तीन टॉपिक और पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक मिला के ऐसा आपका टेस्ट कंडक्ट करे, राइट। दैट्स व्हाई मैंने जब पहला टॉपिक पढ़ाया था दैट टाइम आई टोल्ड यू कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी शायद ऐसे हो सकता है इन मंथ ऑफ ऑगस्ट आपको सब हिस्ट्री के सब टॉपिक का, मैं मतलब सब मतलब जितने मैंने पढ़ाए हैं उतने टॉपिक्स का मैं टेस्ट रखने के लिए बोलूंगी विद्या मैम को, राइट। सो सेकंड टॉपिक मेरा पढ़ा के हो गया है, थर्ड टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट ओवर पॉलिटिकल साइंस, राइट। साइंस भी आपका जुलाई के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा और फिर ऑगस्ट में मैं आपको बोलूंगी टेस्ट रखने के लिए। नाउ दो लेक्चर पहले आई हैव स्टार्टेड विद अप्लाइड हिस्ट्री, मैंने अप्लाइड हिस्ट्री स्टार्ट किया था, राइट। सो व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री? अप्लाइड हिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज इन पब्लिक हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री को हम लोग पब्लिक हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो बेसिकली अप्लाइड हिस्ट्री ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में डालने का मेन एम क्या था, मेन पर्पस क्या था, या फिर हर एक यूनिवर्सिटी ने ये अप्लाइड हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया है उसके पीछे का पर्पस क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये देखने मिलता है द मेन पर्पस इज, सबसे पहला पर्पस ये आता है कि लोगों को, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कितने हम लोग बोलेंगे कि हिस्टोरिकल साइट है, हमारे सिटी का हिस्ट्री क्या है, या वॉट एवर वी आर प्रैक्टिसिंग, हम लोग जो कल्चर ट्रेडिशन जो फॉलो कर रहे हैं, राइट। हम लोग जो कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेडिशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, कि पास्ट में ये सब चीजें हो चुकी हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को अप्लाइड हिस्ट्री बताता है। दैट्स व्हाई अप्लाइड हिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज इन पब्लिक हिस्ट्री। अब हम लोगों को देखने मिलता है हिस्टोरियन ने अलग अलग टॉपिक चुने या अलग अलग फील्ड चुने जिसके थ्रू और वो अप्लाइड हिस्ट्री में डाल दिए, मतलब हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने क्या किया, अलग अलग टॉपिक सेलेक्ट किए, अलग अलग टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद में उन्होंने उसका हिस्ट्री जान के लिया और फिर उसको अप्लाइड हिस्ट्री में डाल दिया, राइट। सो अप्लाइड हिस्ट्री इज अ मेन टॉपिक, या फिर मैं बोलूंगी इज अ हेडलाइन, और उसके नीचे आता है फिलोसॉफी, मैनेजमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड ट्रेड, इसकी हिस्ट्री आती है, राइट। क्योंकि हिस्टोरियंस ने क्या किया कि लोगों को बताया, जो लोगों के मिसगिविंग्स और मिसकंसेप्शंस थे, लोगों के मिसकंसेप्शंस क्या थे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, या हिस्ट्री उन लोगों को ही पढ़ना है जिनको आगे हिस्ट्री में अपना करियर प्रोसेस करना है या जिनको हिस्टोरियन बनना है। बट नो, इफ वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हम लोग कहीं पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, किसी कंट्री में रहते हैं, तो उस सिटी का हिस्ट्री मालूम होना बहुत जरूरी है, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट। ये हम लोगों को अप्लाइड हिस्ट्री बताता है। तो सबसे पहले आपका आता है फिलोसॉफी, व्हेन आई टॉक अबाउट द फिलोसॉफी, फिलोसॉफी मतलब अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपनी फिलोसॉफी, यू नो व्हाट, अपनी फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी या अपनी आइडियोलॉजी लोगों के सामने रखी, जैसे कार्ल मार्क्स है, या फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि अलग अलग लोग हैं, राइट, व्हेन आई टॉक अबाउट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, या फिर महात्मा ज्योतिराव फुले है, या फिर कार्ल मार्क्स है, इन लोगों ने, दिस पीपल वर द फिलोसोफर्स, राइट, इन लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी वो लोगों को बताई कि हम लोग ये सोचते हैं। वो लोग बहुत स्मार्ट थे, बहुत शार्प माइंडेड थे, उन्होंने अपना स्मार्टनेस, राइट, बताया लिख के, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बताया। तो हम लोगों को देखने मिलता है महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने लोअर कास्ट के बारे में बताया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने लोअर कास्ट के बारे में बताया। तो इन लोग अपनी आइडियोलॉजी किताबों के थ्रू लोगों के सामने पेश करते हैं, बट फिलोसॉफी नीड अ लैंग्वेज, तो फिलोसफी की हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिलोसफी की अगर हिस्ट्री जानना है तो अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है दैट इज साइंस। आज हम लोग जो भी साइंस का प्रैक्टिस, मतलब जो भी लैब में टेस्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, सभी पास्ट हिस्ट्री रह चुका है। टेक्नोलॉजी, वट एवर टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग लैपटॉप, वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, एंड यू नो वट हम लोगों को देखने मिलता है स्मार्ट वॉचेस भी आ गए अभी, तो ये टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत जिसने की है, राइट, हम लोगों को ये देखने मिलता है जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है वो वक्त के हिसाब से उतना एडवांस होते गया, तो टेक्नोलॉजी की भी तो हिस्ट्री है, राइट। टेक्नोलॉजी इज आवर नीड, प्लस टेक्नोलॉजी जो है वो नीड से ही पैदा होता है, टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत भी है और हमारी जरूरत से ही वो पैदा होता है, राइट।
जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं कि काश ये तो वट ऐसे होता, राइट। सो सिंपल सी बात है, जैसे फिर एग्जाम्पल की पहले के, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी एग्जाम्पल दिया था कि पहले के जमाने की औरतें वो में इतना टाइम काम करो एंड दे यूज्ड टू गेट टायर्ड, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून उनका वही काम चलता है, इवनिंग तक उन लोगों का वही काम चलता है। बट टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनका काम और ज्यादा आसान हो गया, जो काम काम के लिए 5 घंटे लगते थे वही काम 1 आध 2 घंटे में कम खत्म हो जाता है। बचा हुआ टाइम वो लोग दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, खुद को ऑक्यूपाइड रख सकते हैं बचे हुए टाइम में। सो दैट्स व्हाई यू नो व्हाट, टेक्नोलॉजी जो है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज लाइक उसकी भी हिस्ट्री रह चुकी है और अप्लाइड हिस्ट्री हम लोगों को बताता है, अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या थी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल कॉमर्स, इंडस्ट्रियल कॉमर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी भी हिस्ट्री रह चुकी है, राइट। कि 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और फिर उसके बाद में मशीनरीज आने लगे और हम लोग मशीनरीज का इस्तेमाल करने लगे। ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, इवन हम लोगों को देखने मिलता है हरप्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के जमाने से ट्रेडिंग चल रहा है। कभी बार्टर सिस्टम चलता था, आज हम लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेडिंग इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, बट आज के ट्रेडिंग को समझने के लिए हम लोगों को पास्ट में जो ट्रेड होता था उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट स्टडी, आज से 110 साल पहले हम लोगों को देखने मिलता है, दैट इज व्हेन आई टॉक अबाउट द, मैं बोलूंगी कि अगर मैं बोलूंगी तो दैट इज हेनरी फ्योल, एंड हम लोगों को देखने मिलता है ये एफ डब्ल्यू टेलर, दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इन लोगों ने मैनेजमेंट स्टडीज की शुरुआत की थी, एज इन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट की शुरुआत की। तभी इतना एडवांस नहीं था, आज एडवांस हो गया है। आज हम लोग कोई भी डेटा स्टोर करने हम लोग ऐसे हो गया फाइल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो फाइल हम लोग हमारे लैपटॉप्स में रख सकते हैं। आजकल कंप्यूटर डेस्कटॉप भी कौन ज्यादा यूज करता है, सब लोगों के पास लैपटॉप या फिर टैब होते हैं। आजकल तो टैब डेस्कटॉप भी किसी के पास नहीं है। सो हम लोगों को वही देखने मिलता है कि मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, एंड हम लोगों को देखने मिलता है हेनरी फ्योल जैसे लोगों ने बताया, एंड उन्होंने बताया आज से 110 साल पहले। आज उन्हीं चीजों को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिक रूल्स जो उन लोगों ने बनाए थे वो वैसे के वैसे ही है, सिर्फ हम लोग उसको थोड़ा उसमें से वेरिएशन ला रहे हैं, मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आर्ट्स, आर्ट्स मैंने कहा कि आर्ट्स बहुत टाइप के होते हैं, डांसिंग, म्यूजिक, फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट बजाना, ड्रामा, सिंगिंग, पेंटिंग, मूर्तियां बनाना, ये सब आर्ट्स में आता है। यहाँ पे आर्टिस्ट जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करता है। व्हाट आर्टिस्ट इज गोइंग टू डू, आर्टिस्ट इज गोइंग टू एक्सप्रेस ए पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। मतलब वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स जो है वो उसके आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करता है। इफ आई एम फीलिंग वेरी सैड तो सैड सॉन्ग, राइट। तो सैड सॉन्ग तो वो लोगों को देखने मिलता है कि तो आर्टिस्ट क्या कर रहा है, सैड सॉन्ग थ्रू इमोशंस एक्सप्रेस, सैड डांस होता है, राइट। या फिर जिस फॉर एग्जांपल बॉल रूम डांस, डांस के ऊपर मैं बता रूम डांस इज लाइक अ वेरी रोमांटिक स्टाइल ऑफ डांसिंग। अगर हम लोग बोलेंगे कंटेम्प्रेरी इज वेरी सैड और एकदम स्लो म्यूजिक पे कंटेम्प्रेरी डांस होता है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है सालसा एंड जाइव, जिसको एकदम यू नो व्हाट ऐसे एकदम यस आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, एकदम एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो सालसा एंड जाइव। तो ऐसे डांस फॉर्म है, रोबोटिक स्टाइल ऑफ डांस, फ्री स्टाइल ऑफ डांसिंग। हम लोग गणपति में डांस करते हैं, जब गणपति विसर्जन के लिए जाता है तो गणपति विसर्जन के टाइम पे हम लोग भी आर वेरी हैप्पी एंड हम लोग एकदम हंसते खेलते हुए डांस करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिस्ट अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस आर्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, राइट। तो इसकी भी तो हिस्ट्री रह चुकी है ना, हमारे जो पूर्वज थे हजारों साल पहले उन्होंने केव पेंटिंग की थी, जैसे अजंता एंड एलोरा केव पेंटिंग की थी, उन्होंने मूर्तियां बनाई थी। आज उन्हीं चीजों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं थोड़ा सा एडवांस में जाके, राइट। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटी, यहाँ से हम लोगों का टॉपिक शुरू होगा। सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट द ह्यूमैनिटी, जब मैं ह्यूमैनिटी की बात करती हूँ तो व्हाट इज अ ह्यूमैनिटी, सबसे पहले ह्यूमैनिटी इंक्लूड ये डिस्क्रिप्ट बताता है। आज हम लोग बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, व्हाट वी डू इज कि हम लोग बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं। जैसे आप लोग अगर देखोगे तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि यहाँ पे बताया गया है आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, एग्जैक्टली ना। आज ह्यूमन सिविलाइजेशन देखो, मतलब हम लोग इंडिया में रहते हैं, राइट। वी आर फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट
कहाँ से आया? ग्रीक सिविलाइजेशन से. ग्रीक सिविलाइजेशन ने व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, राइट? तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म बताया. तो ग्रीक सिविलाइजेशन में हजारों साल पहले, 3,500-4,000 साल पहले, वहां पे डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस होता था, राइट? अब ग्रीक सिविलाइजेशन में, बोलो अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको हिस्ट्री में वो जो ट्रांजिशन है वो दिखाई देंगे, वो जो चेंज है वो दिखाई देंगे. 3,000 साल पहले, 4,000 साल पहले जब ग्रीक सिविलाइजेशन के लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, तो वो लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे. डेमोक्रेसी एज इन कि जहां पे ईच एंड एवरी पीपल इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल सिस्टम एक्सेप्ट वुमेन्स, चाइल्ड एंड प्रिजनर. सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम में, राइट? सिटी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ बच्चे, औरतें, और हम लोगों को देखने मिलता है जो प्रिजनर, जो कैदी है, वो लोग 3 लोगों को छोड़ के. अब तभी क्या होता था ना कि ग्रीक के जो छोटे छोटे सिटीज हुआ करते थे वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम था, 100 लोगों का, मतलब है ना 100 घर थे सिर्फ, 150 घर थे. तो एवरीबडी यूज टू पार्टिसिपेट, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी. आज मैं ये बोलूंगी कि इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है. इंडिया एंड चाइना इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री. इज इट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम? नो, नॉट एट ऑल. तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब वो ट्रांजिशन देखो, ग्रीक सिविलाइजेशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस होता था, एंड नाउ इट इज कि वी आर प्रैक्टिसिंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. मतलब क्या, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल सिस्टम. सो वॉट वी डू, राइट? वी आर हायरिंग, यू नो वॉट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपना अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं. वॉट वी आर डूइंग, वी आर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे बिहाफ में देश को चलाने वाला है, क्योंकि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है. नाउ माई प्रोफेशन, यू नो वट माई प्रोफेशन इज, आई एम टीचर, राइट? बहुत सारे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कोई बिजनेसमैन है, तो कोई हम लोगों को देखने मिलता है, कोई एम्प्लॉय है, कि सबको पॉसिबल है पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करना. और इतने लोग हैं, इतने लोगों की आबादी है कि सब लोग आके पार्टिसिपेट करेंगे, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग, सबका नजरिया अलग, कंफ्यूजन होगा. तो इसलिए हम लोग उसी डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब पॉलिटिकल साइंस का समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस आपको यहाँ पे बताया गया, देखो ये पोर्शन देखो, ये पॉलिटिकल साइंस बताया गया आप लोगों को. तो पॉलिटिकल साइंस मतलब ह्यूमैनिटी में पॉलिटिकल साइंस भी आता है, मतलब कि डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम. डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम जो आज से हजारों साल पहले उसकी प्रैक्टिस होती थी. अदर थिंग इज दिस, तभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता था, आज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. पहले के जमाने में ये आर्कियोलॉजी जो है, मतलब अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, ये बहुत पहले से ही हो गया. हम लोगों को बताया, आज भी चीजों को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट? तो फिर हम लोगों को देखने मिलता है सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी इज लाइक, यू नो व्हाट, हमारी निजी सोशल लाइफ, हमारी व्हाटएवर वी आर डूइंग, ट्रेडिशन हम लोग जो भी फॉलो कर रहे हैं, व्हाटएवर वी आर फॉलोइंग, व्हाटएवर वी आर प्रैक्टिसिंग, हम जो सोशल लाइफ फॉलो कर रहे हैं, जैसे यू नो व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे जो रिवाज है, रिचुअल्स है हमारे, राइट? ये सब हमारे निजी जिंदगी में, सोशल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ से जुड़े हुए हैं, राइट? सो हम लोगों को हम लोग फॉलो कर रही हूँ, नो, मेरे कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सब मेरे जैसा ही, यू नो, क्या कर रहे हैं, कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं. आपकी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो आपके कम्युनिटी के हिसाब से कल्चर एंड ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो हम लोगों को देखने मिलता है सोशियोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो पहले से अपने आप कर रहा है, पूर्वज भी उन्हीं कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, अलग अलग कम्युनिटीज बन गए और वो लोग अपने अपने कम्युनिटी के कल्चर्स और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद द ह्यूमन, एंथ्रोपोलॉजी
जी हम लोगों को ह्यूमन डी आता है, ह्यूमन डी तो इंसान के कर्म बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं उसे कर्म मैटर्स अ लॉट राइट, व्हाटएवर वी विल डू वी हैव टू पे फॉर ईच एंड एवरीथिंग. तो एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे यू नो व्हाट, हम लोगों को कहीं पे भी एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है, हम लोग ने पहले टॉपिक में भी पढ़ा है, भगवान का जिक्र वगैरह नहीं आता है, कहीं पे भी डेविल्स एंड ऑल इन सब चीजों का जिक्र नहीं आता है. इकोनॉमिक्स, आज जो इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सालों पहले चाणक्य गुरु ने बताया था, एंड द सेम व्हाट वी आर डूइंग नाउ, सिर्फ उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स इट राइट. नाउ ह्यूमैनिटी में लोगों को अलग अलग डिसिप्लिन, आज हम लोग हम लोगों को ये देखने मिलता है ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज्ड टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी राइट. एग्जांपल जो है ये जो लाइन का मतलब है ना, ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज्ड टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी, इस लाइन का मतलब मैं हितोपदेश से आपको समझाऊंगी. सेकंड टॉपिक में आपको एक वर्ड है राइट, हितोपदेश. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज वन ऑथर जिन्होंने यू नो व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है, फ्रेडरिक मार्क्स मूलर ने इस हितोपदेश को ट्रांसलेट किया था संस्कृत टू जर्मन लैंग्वेज. आपको पता है हितोपदेश एक ऐसी किताब है ना जहाँ पे डिसिप्लिन डेवलप होता है, जिसको रीड करने से डिसिप्लिन डेवलप होता है. पुराने जमाने में जो स्कूल हुआ करते थे उन स्कूल्स में हितोपदेशी किताब होती थी, और उस हितोपदेश में लोगों को मतलब बच्चों को एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया जाता था और बताया जाता था कि उस एनिमल ने ये गलती कर दी राइट, अगर आप भी वैसी गलती करोगे तो आप भी जिंदगी में गिरने वाले हो राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुत्ता जो है, एक स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने, एक कुत्ता जो है उसके मुंह में रोटी रहती है और वो नदी के पास जाता है. जब जैसे ही वो नदी के पास जाता है तो वो ये देखता है कि अरे वहां पे एक दूसरा कुत्ता खड़ा है और उसके भी मुंह में रोटी है. तो वो जैसे ही मुंह खोलने जाता है वो सोचता है कि चलो मैं इसको यू नो वट इसके ऊपर भोंकूंगा और फिर वो भी रोटी मुझे मिल जाएगी. तो जैसे भोंकता है एंड फिर यू नो वट वो रोटी नीचे गिर जाती है. तो वट ग्रीडी डॉग, ये ग्रीडी डॉग की स्टोरी है राइट. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया गया इस स्टोरी के थ्रू, हम लोगों को क्या पता चलता है हितोपदेश में दिखाई देंगे राइट. तो हम लोगों को यही देखने मिलता है आज जो डिसिप्लिन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आज जो भी चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो हम लोगों को देखने मिलता है इसका लिंक जो है फिलोसफी से जुड़ा हुआ है. पहले के जमाने के लोग जो है चीजों को फॉलो करते थे राइट, वही चीजें आज हम लोग फॉलो करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी, हिंदू कम्युनिटी में शादी से पहले या फिर यू नो व्हाट कोई बेबी होने से बेबी का नाम पहले चीजों को देखा जाता है या फिर यू नो व्हाट ज्योतिष शास्त्र को फॉलो किया जाता है. बेसिकली व्हाट हिंदू कम्युनिटी यू नो व्हाट पीपल्स डू. अब हम लोगों को ये देखने मिलता है कि एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है. जितना भी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत पुराना है. एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणी करना राइट, जो ज्योतिष भविष्यवाणी करते हैं ना उन कॉन्सेप्ट को हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं. तो क्या ये क्या अभी का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. मतलब जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी तब से ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को मतलब यू नो जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होने लगा तब से हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिखाई देता है. सो इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट राइट. तो ये सब चीजें ह्यूमैनिटी में आती है ना. अभी हम लोगों को ये देखने मिलता है कि देखो एंशियंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राइड टू स्पेक्युलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस राइट. They give this, it gave rise to various mythological stories about the origin of this world. अब आप लोगों को पता है कि पुराने जमाने के लोग जो है anthropology क्या बोलता है, इंसान जैसे कर्म करेगा वही उसको यू नो व्हाट मिलने वाला है राइट. वट एवर द ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू डू ही हैज टू पे फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ये anthropology बोलता है. anthropology deals with human deeds. वो ह्यूमन डील के कर्म से डील करता है. पर अब हमारी में हम लोग और एक चीज पढ़ रहे हैं क्या, कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे क्या
हमारे पूर्वज जो है वो लोग यूनिवर्स और ह्यूमन रिलेशन का कनेक्शन जोड़ देते हैं, राइट? मीन्स ऑलमाइटी गॉड, गॉडेस, डेविल, इविल एंड फिर ह्यूमंस, ऐसे कनेक्शन जोड़ा जाता था एंड फिर उससे अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज पैदा हुए जिसका प्रूफ अवेलेबल नहीं है. यू नो व्हाट, जैसे फिर एग्जांपल, आई विल कम टू द पॉइंट. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि नासा ने बहुत पहले कहा था कि महाभारत ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है. इट इज जस्ट लाइक यू नो व्हाट, इंडिया में लोगों को जस्ट गुमराह करने के लिए या फिर यू नो व्हाट लोगों को भटकाने के लिए, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये एक स्टोरी बनाई गई है. पर अभी पता है नाउ, अभी अगर आप लोग देखोगे डिस्कवरी प्लस चैनल जो है ना, उसके ऊपर एक ये आता है लॉर्ड कृष्णा करके एक शो आता है, राइट? उसमें ना देवदत्त पटनायक जो हमारे फेमस लॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज बताए हैं. और उसमें यू नो व्हाट, जब नासा ये क्लेम करता था कि महाभारत जैसा नहीं हुआ है, तो अब हम लोगों को देखने मिलता है कि नासा इज डूइंग कि वो अब रिसर्च कर रहा है कि एक्चुअली में लॉर्ड कृष्णा यूज्ड टू एग्जिस्ट. क्यों हिंदू कम्युनिटी के लोग कृष्णा को इतनी ज्यादा यू नो व्हाट फेवरेट भगवान है वो उनके, ही इज अ फेवरेट गॉड ऑफ हिंदू कम्युनिटी. तो क्यों फेवरेटिज्म, क्यों ऐसा ये फेवरेटिज्म चलता है, क्यों फेवरेट है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या सच में महाभारत हुआ था कि सच में यू नो व्हाट द्वारका, जो सोने की द्वारका, मतलब जहां पे श्री कृष्ण यूज्ड टू लिव, सच में थी और वो अगर समुंदर में बहा दी गई है तो उसको ढूंढो एंड नासा जो है उसका रिसर्च कर रहा है, राइट? तो अब क्या हुआ कि प्रूफ मिल रहा है ना, धीरे धीरे समवॉट हम लोगों को प्रूफ मिल रहा है. बट पहले महाभारत, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब महाभारत को माइथोलॉजिकल स्टोरी ही कंसिडर किया जाता था. अब चलो ठीक है, महाभारत का प्रूफ मिल रहा है हम लोगों को, देयर आर बहुत सारी स्टोरीज है जैसे लोगों को देखने मिलता है जिसको माइथोलॉजिकल स्टोरी करके कन्वर्ट किया जाता है, आई मीन कंसिडर किया जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रूफ. बस कोई प्रूफ नहीं है. तो क्यों, पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, दे यूज टू कनेक्ट. पुराने जमाने के जो लोग है, हम लोग जो भी चीजें फॉलो कर रहे हैं, चीजें बड़े राजा हुआ करते थे एंड हम लोगों को ये देखना मिलता है कि उनकी दो वाइफ थी और वो अपने बड़ी वाली वाइफ को, मतलब पहली वाली वाइफ को ज्यादा पसंद नहीं करते थे और वो पहली वाली वाइफ का बेटा था ध्रुव एंड फिर वो दूसरी वाली वाइफ बहुत ज्यादा पसंद करते थे. एक दिन ऐसे हुआ कि ध्रुव ने सोचा, उत्तर, उत्तर जो उसका नाम उत्तर भी बोलते हैं, बहुत सारे स्टोरीज में उसका नाम उत्तर भी कहा गया है, तो वो अपने डैड के गोद में जाके बैठता है. तो उसकी जो दूसरी माँ रहती है वो उसको खींचते घसीटते हुए ऐसे बाहर फेंक देती है एंड फिर उसको बुरा लगता है, स्टार्टेड क्राइंग. वो सिर्फ 5 साल का बच्चा रहता है. तो उसकी मम्मा उसको बोलती है, गो एंड यू नो व्हाट, आप जंगल में जाओ और जंगल में जाके वहां पे एक बोलते ना पेड़ के नीचे बैठो और लॉर्ड विष्णु आपको प्रेस करना है, सो ही विल गेट हैप्पी एंड फिर आपको यू नो व्हाट, आपको आप जो विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी. वो 5 साल का बच्चा जंगल में जाता है, बहुत टाइम तक वहां पे बैठ के लॉर्ड विष्णु का उनको प्रेस करता है एंड फाइनली लॉर्ड विष्णु उनके सामने बोलते, बेटा आपको जो मांगना है वो मांगो. सो व्हाट ही आस्क्ड इज कि मुझे ऐसी जगह दो कि उस पोजीशन से मुझे कोई हिला ना पाए एंड फिर लॉर्ड विष्णु उसको पोलर स्टार बना देता है कि उत्तर तारा बेसिकली और उसको हिलाएगा. सो सिंपल सी बात है कि एक 5 साल का बच्चा के जंगल में जा सकता है. बहुत यू नो व्हाट, बहुत सारी स्पेक्यूलेशन है हम लोगों को देखने मिलता है. सबसे पहले हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग इस स्टोरी को रियल भी कंसिडर करते हैं, बट सबसे पहला सवाल ये आता है कि 5 साल का बच्चा जिसको यू नो व्हाट, वी डोंट नो हाउ टू ईट एंड यू नो व्हाट, वी डोंट नो एनीथिंग, बट वो जंगल में जाके रात दिन बारिश धूप और ठंडी में बैठ सकता है, इज इट पॉसिबल? एंड उसको कैसे पता होगा कि हाउ टू प्रेज अ लॉर्ड विष्णु?
बिकॉज वो सिर्फ एक 5 साल का है जिसको दुनियादारी की समझ ही नहीं है, राइट? ना ही वो स्कूल में गया है, ना ही उसने स्कूल में जाना स्टार्ट किया है जहां पे उसको ये सब बातें बताई गई है. सो ऐसे बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज है जो एंशियंट पीपल ने, एंशियंट लोगों क्या किया है, उसको कनेक्ट किया है, राइट, गॉड के साथ, मतलब इंसानों को गॉड के साथ कनेक्ट किया है. एंड क्या बोलता है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ऑलमाइटी डिवाइन पावर, गॉड एंड गॉडेस एंड ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स आर, यू नो व्हाट, डिफरेंट स्पीशीज. वो लोग बहुत अलग है और वो लोग जो कर्मा करेंगे वही सब चीजें होगी. एंड ऑलमाइटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. तो ऐसे बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज बने हैं, उन्हीं माइथोलॉजिकल स्टोरीज को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं. वी डोंट आस्क द क्वेश्चन, हम लोग कभी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. एंड फिर इन्हीं सब चीजों की वजह से हम लोगों को देखने मिलता है बहुत सारी चीजें शुरू होती है, राइट? तो हम लोगों को ये देखने मिलता है, जैसे अगर मैं बात करूंगी तो सती प्रैक्टिस या विधवाओं के ऊपर अत्याचार पहले के जमाने में होता था, अभी होता है? अभी क्या वो कर सकते? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कहा था कि यू नो व्हाट, सती प्रैक्टिस इज अगेंस्ट टू द ह्यूमैनिटी, राइट? क्या अभी हम लोग सती, कोई औरत अगर सपोज विधवा हो गई तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे चलो सती चढ़ जाओ? अरे नो, इट्स नॉट लाइक दैट. तो ऐसे बहुत सारे, ये पहले के जमाने के लोगों ने क्या कहा है कि नहीं, अगर सपोज हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड के साथ अगर वाइफ भी है तो उसको स्वर्ग मिलेगा. बट मरने के बाद क्या होता है, रियली डोंट नो. इंसान की जब डेथ होती है तो वो इंसान के साथ क्या होता है, उसकी बॉडी के साथ, उसके सोल क्या, वी रियली डोंट नो. तो ये ऐसे स्टोरीज बनाए गए हैं एंड उन स्टोरीज को आज हम लोग, यू नो व्हाट, ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन स्पीशीज उसको, या ह्यूमन सिविलाइजेशन, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, हर एक कम्युनिटी के लोग उसको अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ना. अब अगर लास्ट लाइन देखोगे, माइथोलॉजिकल स्टोरीज से हम लोग बाहर बाहर निकल रहे हैं, द रूट ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी, फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग आर टू बी फाउंडेड इन दिस माइथोलॉजिकल स्टोरीज. Various disciplines under the humanities have a theoretical foundation based on philosophical theories. Only historical knowledge can help us to understand this development stage. Now the thing is this, कि पुराने जमाने के लोगों ने, पुराने जमाने में anthropology का concept नहीं था, पुराने जमाने के लोगों ने almighty and हम लोगों को divine power and human, you know what, human species को जोड़ा है हमेशा, इसीलिए mythological stories बने, right? बट हम लोगों को ये देखने मिलता है कि हम लोग अगर अलग अलग फिलोसोफर्स को देखेंगे तो उन फिलोसोफर्स की वजह से ही ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज बने हैं. बट वक्त के हिसाब से कुछ नए फिलोसोफर्स आए और उन नए फिलोसोफर्स ने क्या किया, डेवलपमेंट लाना शुरू शुरू किया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, राइट? लोग ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया एंड वहां से हम लोगों को देखने मिलता है कि ह्यूमैनिटी जो है, या ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, इसमें धीरे धीरे चेंज आने लगा. पुराने जमाने में जो भी चीजें होती है लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, वी डोंट फॉलो बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल टू फॉलो सच थिंग्स. इज इट पॉसिबल टू फॉलो सच थिंग्स? नहीं, पॉसिबल नहीं है. हम लोग आज प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग क्या आज विधवाओं के ऊपर अत्याचार होता है क्या, बाल विवाह हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है. कि पहले के जमाने में हम लोगों को देखने मिलता है कि सब, यू नो व्हाट, पॉपुलेशन नहीं था तो सबके घर में 10 10 15 15 बच्चे, क्या आज वैसे हो सकता है? नो, राइट? क्या 3:30 बजे लोग उठा करते थे, सुबह उनकी 3:30 बजे होती थी, आज उठते हैं नहीं, 10 बजे 11 बजे तो हमारी. तो सिंपल सी बात है, हम लोग पुराने जमाने में बहुत सारी चीजें होती थी, राइट? बहुत सारी एक्चुअल चीजें भी थी, बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज थे. बट ग्रेजुअली ह्यूमन सिविलाइजेशन में चेंज आया और ह्यूमैनिटी, ये जो टॉपिक अप्लाइड हिस्ट्री में बताया गया है, अब मैं आ रही हूँ कंक्लूजन पे, ह्यूमैनिटी ये जो टॉपिक अप्लाइड हिस्ट्री में डाला गया है, तो ह्यूमैनिटी ये टॉपिक हम लोगों को बताता है कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन में स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आए, कैसे हम लोग, यू नो व्हाट, हम लोगों को देखते मिलता है ना कि पुराने जमाने के, मतलब यू नो व्हाट, जब अर्थ, हम लोगों को अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, तब ह्यूमन स्पीशीज जो थे दे यूज टू वेयर नथिंग, एंड आज हम लोग, यू नो व्हाट, इतना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं दैट वी वेयर यू नो व्हाट, स्टाइलिश क्लोथ्स. तो आ गया चेंज. तो ये ह्यूमैनिटी हम लोगों को बताता है, ह्यूमैनिटी ये जो अप्लाइड हिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोगों को क्या बताता है, ह्यूमैनिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है, कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन में स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आए और कैसे, यस, कैसे ह्यूमन,
में चेंजेस आए हैं, आज हम चेंज के साथ हम लोग हमारी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे पुराने जो यू नो व्हाट अनवांटेड रीत रिवाज थे, अनवांटेड रिचुअल्स थे, उनको छोड़ के हम लोग सब नई चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी की जो अप्लाइड हिस्ट्री है, ये ट्रेडिशंस के बारे में बताता है। राइट, समझ में आया? किसी को डाउट है? एनीवन, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो चलो, गेस्ट। ओके। नाउ आई विल कम टू अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। द आंसर्स टू दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। द विजिबल एंड इनविजिबल विजिबल एंड इनविजिबल रिकल्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। वी नो some kind of curiosity, attraction towards them. We wish to know more about their history because they represent the creative thoughts and tradition of our ancestor. It is our heritage. It helps in building our identity. The history of our heritage link us with our origin, and it became necessary to preserve and conserve it for the future, for our benefit as well as for the benefit of future generation. Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people. Sorry, accessible to people. Heritage management create opportunity of employment. In applied history, can be described as understand of our present with the help of history and finding the right direction for the benefit of future. Applied history क्यों? क्योंकि आज हम जो भी चीजें फॉलो कर रहे हैं, यू नो व्हाट, मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी। देयर इज अ फेमस माइथल जिनका नाम मैं हमेशा लेती हूँ, दैट इज नायक, एपिक चालक हो गया है। यू नो व्हाट नायक, एक्चुअली बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर, प्रोफेशन से वो डॉक्टर है। बट आपको पता है कि उनको इंडियन मिथिकल स्टोरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बेसिकली लोगों को मिलता है कि बस मच इंटरेस्टेड इन पुराण उपनिषद। फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी हिंदू माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, वो उन्होंने उसको आज उसको सब किताबें दिया। एंड व्हाट ही सेज, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट टुडे व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग बाहर वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न हिस्ट्री को जान के ले रहे हैं। क्यों ना आजकल के बच्चों को, हमारे इंडियन बच्चों को इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाए। राइट, व्हाट ही सेज, उनका बोलना क्या, बोलने का मतलब क्या है कि बच्चों को इंडियन हिस्ट्री बताओ। Rather than teaching them Western history, it's better option to teach them, you know what, Indian history. Why? Because हमारे बारे में भी तो पता चलना चाहिए ना, future generation को पता होना चाहिए ना, अलग अलग stories पता होने चाहिए, अलग अलग you know what हमारे culture के बारे में पता होना चाहिए। It is very much important. तो हम लोगों को वही देखने मिलता है कि हम लोगों को you know what, जैसे बचपन में हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोगों के मॉमडैड हम लोगों को बोलते हैं, स्पेशली यू नो व्हाट, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गॉड के सामने, ऐसे भगवान के सामने, भगवान के मूर्ति के सामने ऐसे खड़ा होना चाहिए। स्पेशली हम लोगों को देखने मिलता है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग है, दे डू लाइक दिस। राइट, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग है वो ऐसे खड़े रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में हम लोगों को देखने मिलता है ऐसे ऐसे बताया जाता है। तो ये सब चीजें क्यों पेरेंट्स करते हैं? बिकॉज आने वाले जनरेशन को उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, दैट हम लोग कैसे यू नो व्हाट पूजा करते हैं, या कैसे इबादत की जाती है, या कैसे यू नो व्हाट वर्शिप किया जाता है। इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है बच्चों को। राइट, एंड हम लोगों को देखने मिलता है कि फ्यूचर जनरेशन को इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे व्हाट एवर वी प्रैक्टिस। राइट, जैसे हम लोगों को देखने मिलता है कि जब हम लोग छोटे होते हैं हिंदू कम्युनिटी में छोटे होते हैं, तो उन लोगों को बचपन से बच्चों को यू नो व्हाट अलग अलग श्लोक बताए जाते हैं, अलग अलग मंत्र बताए जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको अलग अलग आरतियां बताई जाती है, तो उससे वो अलग अलग भगवानों को प्रेस करने लगता है। वही हम लोगों को देखने मिलता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के में जब बच्चा 7 साल का होता है तो रखना है से ही, एंड फिर यू नो ये दैट इज इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि आने वाले वही हम लोग कर रहे हैं इवन कम्युनिटी में। राइट, बैप्टिज्म को करना है, बैप्टिस्ट बनना है, बच्चा जब छोटा है तो उसको बैप्टिस्ट बनना है, चर्च में जाना है, हर संडे मास अटेंड करना है, ये सब चीजें बताई जाती है। सो व्हाट इज दिस, ये हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, एंड ये हम लोगों को क्या करना है, दिस इज आवर ट्रेडिशन,
हमारे कंट्री में जितने भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ये उनका ट्रेडिशन है, आज वो लोग यू नो व्हाट हमारे पूर्वज करते थे, वही चीजें आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड आने वाले जनरेशन को भी वही चीजें बतानी है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सब चीजें प्रिजर्व करके रखनी है, वरना क्या होगा, वरना यू नो व्हाट ये जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये कहीं पे तो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। तो अप्लाइड हिस्ट्री वही बोलता है, इसको खत्म होने नहीं देना है। आज जो भी हमारा हेरिटेज है, मतलब यू नो व्हाट जो हम लोगों के पास कल्चर, हम लोग जो कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज आर हेरिटेज, दैट इज इनटैंजिबल हेरिटेज, व्हाट वी हैव टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टैंजिबल। इनटैंजिबल उसको कहा जाता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। तो कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स आर इनटैंजिबल हेरिटेज, राइट? और ये इनटैंजिबल हेरिटेज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और टैंजिबल हेरिटेज क्या है? सब हिस्टोरिकल साइट, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ये सब टैंजिबल हेरिटेज है। और इसको हम लोगों को टैंजिबल हेरिटेज और इनटैंजिबल हेरिटेज, दैट इज विजिबल हेरिटेज एंड इनविजिबल हेरिटेज, दोनों को भी संभाल के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि उनको भी पता चले कि हमारा इंडियन हिस्ट्री क्या था, या हमारे एंसेस्टर्स किन चीजों को फॉलो करते थे, राइट? प्लस अप्लाइड हिस्ट्री जो है वो क्या कर, अप्लाइड हिस्ट्री हम लोगों को देखने मिलता है वो, अगर हम लोग बात करेंगे तो अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, सपोज यू व्हाट एलिफेंटा केव है, सपोज ऑब्वियसली एलिफेंटा इंडियन गवर्नमेंट, जो मुझे इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी सैलरी दे, पैसे दे, सर मैं आपको एलिफेंटा केव के पास, आई एम अ टूरिस्ट गाइड, आप मुझे इतने इतने पैसे दो, आई विल चार्ज 1000 रुपीज, मैं आपको पूरा एलिफेंटा केव का इंफॉर्मेशन दूंगा। आई स्टे इन मुंबई, मैं मुंबई से एलिफेंटा केव ट्रेवल नहीं कर सकती, इट इज लाइक हार्डली 1 आवर फेरी से अगर ट्रेवल करूँ तो, मैं राइट, और मैं अगर एक भी टूरिस्ट को पकड़ती हूँ, उस टूरिस्ट को 1 घंटा भी अगर मैं बताऊंगी तो मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे, फिर दूसरा टूरिस्ट, फिर तीसरा टूरिस्ट, राइट? तो अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू क्या हो रहा है, अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू हम लोगों को देखने मिलता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, राइट? नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज। ओके, सबसे पहले तो आप लोग एक बात काम करो, नहीं नाउ कल्चरल हेरिटेज, इट इज द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, इट इज ऑफ टू टाइप्स, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग एक्सेट्रा। इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स फॉलोइंग थिंग्स, ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, social customs and rituals of celebrating festival, style of performing art, certain traditional skills, community group who represent such tradition, customs and skill. Now, सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, पहले आता है कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो कल्चरल हेरिटेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज अ टैंजिबल एंड सेकंड इज अ इनटैंजिबल। एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, टैंजिबल जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द टैंजिबल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। एंड इनटैंजिबल जिसको हम लोग देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनटैंजिबल। तो टैंजिबल में क्या क्या आता है, टैंजिबल इंक्लूड एंशियंट साइट्स। तो एंशियंट साइट्स अगर हम लोग बोलेंगे तो सब एंशियंट मॉन्यूमेंट, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स अगर हम लोग बात करेंगे तो अजंता, एलोरा, फिर उसके बाद में कुतुब मीनार है, ताजमहल है, या फिर यू नो फतेहपुर सिकरी है, फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है अलग अलग टाइप के मंदिर है, राइट? या हम लोगों को देखने मिलता है यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे, या फिर यू नो व्हाट साउथ के सब मंदिर है, सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल एंड ऑल, राइट? फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि पेरियल गोड झांसी का फोर्ट है, राइट? ये सब चीजें क्या है, ये सब टैंजिबल में आती है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है अलग अलग बिल्डिंग्स, राइट? आर्टिफेक्ट्स, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, राइट? मैन्युस्क्रिप्ट्स,
मनुस्क्रिप्ट्स मतलब एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट एज इन पांडवों ने, पांडवों ने जिन लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था और उन्होंने जिन लैंग्वेज में किताबें लिखी थी या उनके फ्यूचर जनरेशन में जो लैंग्वेज में किताब लिखी थी, दैट इज कॉल्ड द मनुस्क्रिप्ट। मतलब पांडुलिपि या फिर हम लोगों को देखने मिलता है पांडवों ने बनाई हुई लैंग्वेज, राइट, उन्होंने लिखी हुई लैंग्वेज, उन्होंने लिखा हुआ स्क्रिप्ट, स्कल्पचर्स, मूर्तियां बनाना, राइट, पेंटिंग्स। यू रियली डोंट नो पेंटिंग्स लाइक, सॉरी, हम लोग पेंटिंग्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स, राइट, तो हम लोगों को ये देखने मिलता है, ये सब टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है जो विजिबल है और दिखाई देता है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की हम लोग बात करेंगे तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या आता है, ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को देखने मिलता है कि हिंदू कम्युनिटी में आरती गाई जाती है, अलग अलग गॉड एंड गॉडेस की आरती होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशन का, हम लोग कुछ पर्टिकुलर ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका नॉलेज कहीं से तो, राइट, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज लेना। उसके बाद में सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दीपावली, क्यों दीपावली सेलिब्रेट होती है, वी डोंट नो व्हाई, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दीपावली। दीपावली सेलिब्रेट करने के पीछे की भी वजह है, बोला जाता है ऐसे कि पहली बार यू नो व्हाट, जो लॉर्ड रामा है वो वनवास से अपने घर पे आए थे, इसीलिए दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, राइट। बट दिवाली हम लोगों को ये भी देखने मिलता है जो लॉर्ड ये है, लक्ष्मी है, सॉरी, गॉडेस लक्ष्मी जो है उनके उनको यू नो वो ट्रेस करने के लिए भी मनाई जाती है। तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टोरीज तो हम लोगों को देखने मिलता है। वी सेलिब्रेट नवरात्रि एंड गणपति, गणपति 10 दिन के हम लोग प्रैक्टिस कर, 10 दिन हम लोग यू नो वो गणपति करते हैं, गणपति का प्रैक्टिस करते हैं, या फिर यू नो वो कल्चर हम लोग फॉलो करते हैं। बट एक्चुअली इसकी शुरुआत तो वी नो दैट कि अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी शुरुआत जो है लोकमान्य तिलक जी ने की थी। उससे पहले तो सिर्फ 1.5 डे गणपति बिठाया जाता था, या नवरात्रि, राइट। नवरात्रि में एक ऐसा स्टोरी है कि जैसे जैसे हम लोगों को देखने मिलता है, भाई डू वी सेलिब्रेट द नवरात्रि, जो लॉर्ड दुर्गा है, सॉरी, गॉडेस दुर्गा जो है, वो गॉडेस दुर्गा है, वो बहुत सारे डेविल्स को मारती है इन 9 दिनों में, और पूरे 9 दिन लोग जो है वो जागते हुए वो डेविल्स को जो मारती है वो देखते हैं, तो इसीलिए वी सेलिब्रेट द नवरात्रि, पूरा रात जागरण करके गरबा खेलते हैं लोग। तो व्हाट इज दिस, देयर आर द वेरियस रीजन, राइट, दैट वी आर फॉलोइंग दिस, वी आर सेलिब्रेट आर्ट, बनाई जाती है। तो गणपति बिठाना, अभी सितंबर आएगा तो सब लोग अपने घर में गणपति गणपति की पूजा करेंगे, तो शुरुआत पहले से भी लोगों ने नहीं किया है, राइट। या फिर हम लोग अलग अलग स्टाइल के डांस है, जैसे एज आई टोल्ड यू, कोली कोली कम्युनिटी के लोग जो है वो जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उनके घर में शादी होती है, दैट टाइम दे डांस, तो कोली कोली डांस करते हैं वो लोग, राइट। सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल्स, ट्रेडिशनल स्किल्स, मूर्तियां बनाना, जैसे हम लोगों को देखने मिलता है कि बहुत सारे मूर्तिकार आपको कोलकाता में, वेस्ट सॉरी ईस्ट ईस्ट इंडिया की तरफ दिखाई देंगे, या फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि वेस्ट इंडिया की तरफ भी बहुत सारे ऐसे कलाकार तो अलग अलग मूर्तियां बनाते हैं, स्पेशली इन मंथ ऑफ यू नो व्हाट, सितंबर, अगस्त, सितंबर, जहाँ पे लॉर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद में 15 दिन के बाद आता है कि गॉडेस दुर्गा जो है उनकी मूर्तियां बनाई जाती है, फिर उनका यू नो नवरात्रि होता है। तो ये दिस आर द ट्रेडिशनल स्किल्स। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है वो अपना कस्टम्स और ट्रेडिशन, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहां पे रामलीला का प्रैक्टिस, जब भी दशहरा आएगा तो वहां पे राम होता है, कंपल्सरी रामलीला की जाती है। तो व्हाट इज अ रामलीला, जहाँ पे यू नो व्हाट सब स्टोरी बताई जाती है, लॉर्ड रामा, गॉड सीता, एंड यू नो व्हाट राम में कैसे फिर क्या कथा चलता है, तो रामलीला लोग में वो लोग बताते हैं। तो पीपल आर डूइंग, उत्तर प्रदेश के लोग रामलीला के थ्रू जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना कस्टम, ये सारे, तो दिस आर द इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, नेचुरल हेरिटेज। The concept of natural heritage gives importance to the thoughts of biodiversity. It includes the following things: fauna, flora, ecology, and geomorphic characteristics, which is crucial for sustaining the flora and fauna of particular region. It is essential for the benefit of future generation to preserve our heritage.
यूनेस्को द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड सम डायरेक्टिव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट्स and traditions are declared as in world heritage site the list of unesco world natural heritage heritage now include western ghat kasp plateau and district sitar also a part of western ghat what are the natural heritage site natural heritage matlab jo naturally paida hua hai jo naturally hum logo ko dekhne milta hai jiski shuruaat hui but for the natural heritage site natural heritage mein aata hai fauna flora and ecology geomorphic characteristics what is fauna fauna hum log baat karenge to natural vegetation fauna kisko kaha jata hai natural vegetation as in jungle plants alag alag type plants alag alag type ke trees alag alag you know what hum log ko dekhne milta hai jungle jo hote hain fauna flora various types flower अलग अलग रोज है अलग अलग फ्लावर्स राइट तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रिया करके कंट्री है वहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज्यादा फेमस है या तुलिप की खेती जब वो बैठता है और वो तुलिप के फ्लावर्स देखता है ना तो सब ऐसा लगेगा कि तो ऐसे लगेगा आप लोगों को कि अलग अलग यू नो वट वहाँ पे रेनबो किसी ने बनाया है या फिर यू नो वट किसी ने जमीन के ऊपर कलर का पेंट किया है क्योंकि ऊपर से ना वो तुलिप खेती इतने अच्छे अलग फ्लावर्स ब्लैक अलग अलग कलर्स में दिखाई देते हैं वो इतना अच्छा दिखता है राइट या फिर यू नो वट हमारे इंडिया में देख लो कि अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल नैनीताल में जाओगे सीधे आसाम की तरफ जाओगे तो नेचुरल ब्यूटी वहाँ की नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है ब्यूटी इतनी अच्छी है दैट यू नो वट आप देखते ही रह जाओगे तो दैट इज यू नो वट फ्लोरा एंड फाउना कश्मीर रीजन नेचुरल ब्यूटी को देखने मिलता है कि उसके वो वेस्टर्न घाट ले लो या हम लोग यू नो विजिट टू द माथेरान विजिट टू लोनावला हमारे मुंबई में देख लो आई मीन हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में देख लो लोनावला है खंडाला है विजिट करते हम लोग वहाँ के जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या सिर्फ बर्फ कश्मीर रीजन में ही गिरती है शिमला नैनीताल शिमला फिर मना या फिर आप लोग यू नो बट कश्मीर लद्दाख वहां पे जाओगे लद्दाख इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे -28 डिग्री या फिर सियाचिन के तरफ जाओगे सिक्किम में जो है वहां पे -50 में टेम्परेचर होता है जहाँ पे यू नो बट सर्वाइव करना इज नॉट पॉसिबल बट वहां पे वो जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि वहां पे हिमालय जो है वो ठीक है वहां पे बादल टकराते हैं वहां पे ही टेम्परेचर इतना मतलब हम लोग को देखने मिलता है ऊपर टॉप पोजीशन पे टेम्परेचर तो हो जाता है कि वो पानी को बर्फ पड़ता है फिर बर्फ गिरने लगता है तो वो वहाँ के जियोमॉर्फिक कैरेक्टराइस्टिक है ना वहाँ का यू नो व्हाट वहाँ हम लोगों को देखने मिलता है कि वहाँ का एटमोस्फियर ही वैसा है तो वही अगर आप लोग मुंबई की तरफ आओगे तो यही क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है हाई होता है तो बारिश गिरती है मुंबई कोंकण रीजन गोवा या फिर जितने भी इंडिया के कोस्टल पार्ट है वहाँ पे तो ये जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके जैसे वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से शुरू होता है नीचे और कर्नाटका यू नो बट मोस्ट ऑफ द कर्नाटका के पार्ट को भी वो कवर अप करता है वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जो है इसको देखो यहाँ पे बताया भी गया है वेस्टर्न घाट इज कंसिडर एज इन वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया मतलब पूरे एक स्टेट को कवर करता है वो वेस्टर्न घाट की खासियत क्या है कि वो बहुत बड़ा पहाड़ है माउंटेन है इट्स घाट राइट एंड वो घाट जो है उसमें बहुत सारे मतलब पूरा महाराष्ट्र कवर अप हो गया है पूरा महाराष्ट्र का कोस्टल रीजन कवर अप हो गया राइट सो सिंपल सी बात है इसकी उसको मतलब ऐसा कहीं पे भी आपको नजारा नहीं दिखाई देगा दैट्स व्हाई इट इज यू नो व्हाट यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में हम लोग यूनाइटेड के बारे में तो यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है वो ये देखा है कि यूनेस्को जो है हर एक कंट्री के कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट को या फिर यू नो व्हाट हर एक कंट्री के कल्चरल चीजों को बढ़ावा
यूनेस्को का काम ही वही है, हर एक कंट्री के कल्चरल साइंटिफिक इवेंट को बढ़ावा देना। तो यूनेस्को ने, यूनेस्को सबको किताब देता है, मीन्स सर्टिफिकेशन, राइट, ऑनर करना, जिसे नेचुरल, सॉरी वेस्टर्न घाट जो है इसको नेचुरल हेरिटेज साइट करके कंसिडर किया गया है। तो महाराष्ट्र को वो एक सर्टिफिकेट मिला है कि महाराष्ट्र में एक वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है जो वेस्टर्न घाट है। और ये वेस्टर्न घाट का कुछ पार्ट जो है वो सातारा की तरफ जाता है, कोल्हापुर सातारा, राइट, डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को पता है, वहीं पे सात भी आता है। तो वहां पे कास प्लेटू, माउंटेन जो है नीचे प्लेटू बन के उतरता किया गया है। ओके, अब तक जो मैं आप लोगों को समझ में आया है, एनी डाउट? नमस्ते। ओके, तो एक 2 मिनट रुको, 2 मिनट के बाद आई जी के ब्रेक मैं फिर से यू करती हूँ। कोशिश की टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। याद है मैं होमवर्क भी, होमवर्क के बारे में मैं एंड में पूछूंगी। तो जस्ट गिव मी अ ब्रेक, लाइक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम लोग एंड फिर विल कंटिन्यू। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ना चलो, अब भी हम लोग आते हैं पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए कहा था कि आप लोगों को ये रीड करना है, राइट? आई टोल्ड यू कि आप लोगों को ये रीड, मतलब नॉट रीड एक्चुअली, इंडियन ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल डिक्लेयर एज एन ओरल इंटेंजिबल हेरिटेज, जिसमें से आपको 5 याद रखने हैं, राइट, एनी 5। फिर वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट, इसमें से 5 याद रखने हैं, और वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट जो है इसमें से 2-3 याद रखोगे तो भी चलेगा। एंड लास्ट वन इज अ नो वट लास्ट वन, तो आप लोगों ने याद किया, एनी वन? किसी ने भी नहीं?
यस मिस मैंने ओके जॉय बोलो बेटा राम राम रामलीला एंड कलबेलिया एंड हेलो मुदियत यस बेटा बेटा यू आर नॉट ऑडिबल एक्चुअली आवाज नहीं सुनाई दे रही सो विल यू स्पीक लाउडली मींस सब बोल हेलो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस नहीं टाइप एंड सेंड यू यस जॉय आई एम ऑडिबल टू यू मेरी आवाज आ रही है यस हाँ बेटा आई थिंक यू हैव सम टेक्निकल इशू टेक्निकल इशू है सो योर वॉइस इज ब्रेकिंग एंड इट्स नॉट यू नो व्हाट आई कैन यू आर नॉट ऑडिबल आपकी आवाज इतनी अच्छे से नहीं आ रही है तो ठीक है एंड एंड लेक्चर के एंड में देखते हैं हम लोग कोई बात नहीं ओके राइट मिस लेक्चर के एंड में देखते हैं तब तक शायद ये टेक्निकल इशू या नेटवर्क इशू जो है वो चले कोई केले बात ला बेटा बेटा मैम ओके नाउ यू नो व्हाट इट्स इनटैंजिबल हेरिटेज साइट इनटैंजिबल हेरिटेज साइट में हम लोगों को देखने मिलता है व्हाट आई टोल्ड यू इनटैंजिबल हेरिटेज साइट की अगर हम लोग बात करेंगे राइट यहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है दैट इज कुटियत्तम संस्कृत थिएटर केरला केरला में एक संस्कृत थिएटर है राइट जहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे जितने भी नेचुरल मतलब यहाँ सॉरी हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशन है उसको वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है सब पुराने जमाने के डांस सिंगिंग एंड ऑल बाद में ट्रेडिशन ऑफ वेदिक चैंटिंग राइट वेदिक चैंटिंग जैसे वेद होते हैं चार यजुर्वेद अथर्ववेद एंड गरेवाल हिमालयस राइट हम लोगों को देखने मिलता है स्पेशली हिमालयन रीजन दैट इज हिमाचल प्रदेश में वगैरह ये रमन्ना होता है कलबेलिया डांस राजस्थान में कलबेलिया फोक स्टाइल ऑफ डांसिंग पुराने जमाने के लोग करते थे चाउस डांस ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग परफॉर्म ट्रेडिशन फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया में चाउस होता है ईस्टर्न इंडिया में कोलकाता वगैरह बंगाल वगैरह वहां पे मुदियत्या और रिचुअल थिएटर ऑफ केरला केरला में एक रिचुअल थिएटर है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख मंत्र उसके या फिर किताबें उसकी चैंटिंग चैंटिंग सब लोग साथ में दोहराते हैं राइट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो हिमाचल प्रदेश हिमालयन और जम्मू कश्मीर में वहां पे संस्कृत ना रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग इन मणिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम लोगों को देखने मिलता है कि भाई संस्कृतना इज अ रिचुअल वहां पे फॉलो किया जाता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स ऑफ ब्रेस एंड कॉपर अमंग्स द थारास ऑफ जंडीलाल ग्रुप पंजाब पंजाब में यू नो हम लोगों को देखने मिलता है कॉपर और ब्रॉन्ज के यू बनाए जाते हैं विच इज वेरी मच फेमस योगा राइट योगा इज वेरी ओल्ड ट्रेडिशन जिसको आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं आगरा का फोर्ट राइट कल्चरल हेरिटेज साइट उसके बाद में अजंता केव इन महाराष्ट्र आगरा फोर्ट इन उत्तर प्रदेश वेल्लोर केव इन अगेन बेरोड हम लोगों को देखने मिलता है ये कहाँ पे आता है अगेन हम लोगों को देखने मिलता है महाराष्ट्र ताजमहल उत्तर प्रदेश ग्रुप ऑफ एट महाबलीपुरम लोगों को नॉर्थ इंडिया सॉरी साउथ इंडिया में दिखाई देता है सन टेम्पल कोणार्क साउथ इंडिया कॉन्वेंट ऑफ गोवा
ये हम लोगों को गोवा एंड कर्नाटका के बीच में, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ एट हम्पी, ये हम लोगों को दिखाई देता है कहाँ पे, साउथ इंडिया में, हम्पी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। खजुराहो मॉन्यूमेंट मध्य में आपको दिखाई देगा, फिर एलिफेंटा केव इन महाराष्ट्र, एक छोटा आइलैंड है। नेक्स्ट इज ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स, ये चोला टेम्पल्स भी आप लोगों को साउथ इंडिया में दिखाई देगा, साउथ इंडिया में, दैट इज इन तमिलनाडु, दैट इज। नेक्स्ट इज इन गंगाईकोंडा चोलापुरम, राइट, बरीदी बरीदीश्वर एंड ऐरावत ऐरावतेश्वर एट धरसुराम, राइट, साउथ इंडियन तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु एंड हम लोग जहाँ से यू नो हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग मंदिर दिखाई देते हैं। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पट्टदकल, राइट, ये तो वहां पे सिर्फ एक यू नो लोगों को दिखाई देता है कि बहुत बड़ा दैट इज, अगर हम लोग बात करेंगे तो सेमी सर्कल में एक बहुत बड़ा टोम है, एंड इट्स अगर हम लोग बोलेंगे तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ, अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको यू नो वट एक ना ही पैलेस बोल सकते हैं ना फोर्ट बोल सकते हैं, इट्स अ जॉइंट डोर, राइट। कुतुब मीनार, इट्स अ मॉन्यूमेंट इन दिल्ली, अगेन सॉरी माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, दैट इज दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड कलका शिमला रेलवे, ये बहुत नैरो छोटे छोटे हम लोगों को रेलवे ट्रैक दिखाई देते हैं कि जहाँ पे रेलवे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर तो भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पॉसिबल किया। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधा गया, ये आपको प्रॉपर मध्य प्रदेश और वहां पे दिखाई देगा। रॉक शेल्टर्स एट भिंडरकनिका, ये आपको मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। चंपारण्य पावागढ़, ये आप चंपारण्य पावागढ़ आपको उड़ीसा की तरफ दिखाई देगा, आर्कियोलॉजिकल पार्क, राइट, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, स्टेशन रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, जंतर मंतर जयपुर, ये आप लोगों को राजस्थान में, जंतर मंतर जो है ये पुराने जमाने जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ये जंतर मंतर बनाया, मतलब बेसिकली जंतर मंतर तो एक लड़के ने बनाया था, बट यहाँ पे सब एस्ट्रोलॉजर बैठ के एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहे थे। हिल फोर्ट, राजस्थान के अलग अलग हिल फोर्ट, जैसे हम लोग को देखने मिलता है भानगढ़ फोर्ट और कुलनरा डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल, राइट, पाव द क्वीन एट पटना गुजरात, ये एक स्टेपवेल है, मतलब इट्स अ ये कुआ है, बहुत बड़ा कुआ है जो देखने में बिल्डिंग की तरह दिखाई देगा, बट इसको कम से कम अगर हम लोग बोलेंगे ना तो 300 से ज्यादा, मतलब यू नो व्हाट, 300 भी मैंने कम बोल दिया है, वैसे कहा जाता है कि एक पहाड़ हम लोग जितना चढ़ते हैं ना उतना तो डीप ये कुआ है, और पूरे गांव को पानी मिलना चाहिए इसीलिए स्टेपवेल बनाया गया था, राइट। तो गुजरात की जो रानी थी उन्होंने अपने मरे हुए हस्बैंड है उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए स्टेपवेल बनाया था, तो इसको बहुत इसको ज्यादा बहुत स्टेप नीचे उतरने के बाद ये कुआ बन आई मीन कुआ है, तो इसीलिए हम लोगों को देखने मिलता है रानी का वाव, रानी का वाव एज इन द स्टेपवेल ऑफ क्वीन जो गुजरात में। नेक्स्ट इन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, महावीर विहारा, नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी तभी के जमाने की, बट इसको बाद में जलाया गया, कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और ये जब जल रही थी ना तो कम से कम हम लोगों को देखने मिलता है कि 3 से 4 महीने कंटिन्यूअसली जल रही थी, और इसमें 9 माले जितनी लाइब्रेरी थी और सब डॉक्यूमेंट सब कुछ जल गया, राइट, और तभी की ये वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी। द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एट चंडीगढ़, राइट। नेक्स्ट इज अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी, अहमदाबाद को हिस्टोरिकल सिटी कहा गया है कि क्योंकि जितने ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सब बड़े बड़े हिस्टोरिकल, मतलब बड़े बड़े अपने फोर्ट्स या इंडो गोथिक स्टाइल के जितने भी फोर्ट और पैलेसेस है वो वहां पे ब्रिटिश ने बनाए अहमदाबाद में, तो हिस्टोरिकल सिटी भी कहा गया है। जैसे नेशनल पार्क हम लोग अभी सब नहीं देखेंगे वरना हमारा टॉपिक नहीं कंप्लीट होगा, तो नेचुरल हेरिटेज साइट पे हम लोग बाद में जाएंगे। नाउ आई विल कम टू द पॉइंट, कल्चरल एंड नेचुरल, सॉरी मैंने बीच में ही रोक दिया, बट हम लोग बाद में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट था, लाइक दिस वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट,
वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट एंड वर्ल्ड यू नो व्हाट इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर एज एन ओरल इंटेंजिबल हेरिटेज, ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। तो वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में से वो लोग बहुत रेयरली पूछते हैं अब तक, इसीलिए मैं आपको इतना डीपली वहां पे नहीं जा रही। वो पेज नंबर 19, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज साइट्स हेरिटेज फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ और आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया एंड इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी बसाइड इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज इज एक्टिव वर्किंग इन द फील्ड इन दिस फील्ड द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड दे नीड टू बी अ ड्यूली अवेयर ऑफ कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ हेरिटेज साइट द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड creating an awareness. Thus, first point is operations are necessary for conservation and preservation and development of heritage sites can be handled without causing any change in its ownership. Local social structure and psychology of local people, challenged faced by them in the present situation and their expectation can be surveyed in detail. Due precautions can be taken to avoid hurting sentiments of local public while completing the projects of conservation and preservation, development of heritage site. Participation of the local people in the projects can be facilitated. Systematic plan can be designed to employ the local way to create better livelihood. Now, conservation and preservation. Applied history हम लोगों को बोलता है, that is conservation and preservation of cultural heritage site. Now we are talking about the cultural heritage site and plus oral heritage site. सबसे हम लोग cultural heritage site के बारे में आएंगे, heritage site के बारे में आएंगे और फिर हम लोग oral heritage site के बारे में देखेंगे. Cultural and natural heritage sites की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को देखने मिलता है उसको प्रिजर्व और कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से हमारा इनकम जनरेट होता है. अब ये लिस्ट अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरी लिस्ट देख लो, इस लिस्ट में ये जितने भी आप नाम दिखाई दे रहे हैं ना, टूरिस्ट यहाँ पे आले विजिट करते हैं और इससे इनकम जनरेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट का इनकम जनरेट होता है. तो इन जो ये लिस्ट जो चीजें स्पेशली वर्ल्ड कल्चर इनको प्रिजर्व करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सॉरी इनको प्रिजर्व करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम लोग इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग आने वाले फ्यूचर के सामने गलत एग्जांपल सेट कर रहे हैं. हम लोग हमारे जो हेरिटेज ही रख रहे हैं, सेल्फिश बन रहे हैं, हम लोग फ्यूचर जनरेशन को नहीं बता रहे हैं पहली बात. दूसरी बात हम लोगों को देखने मिलता है दैट इज कि अगर हम लोग बात करेंगे तो इससे हमारा इनकम जनरेट होता है प्लस हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में हमारा नाम होता है. सोचो जो ये आगरा का फोर्ट है, अजंता, एलोरा, वेल्लोर वगैरह जो है, ये कितने पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं. ये मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए दुनिया भर से लोग हमारे इंडिया में आते हैं, इससे हमारा इनकम जनरेट होता है. प्लस बाहर जाके वो लोग तारीफ भी करते हैं कि इंडिया में इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इतने सारे फोर्ट्स हैं, राइट. तो एक तो हम लोग हमारा यू नो व्हाट कर रहे हैं, हमारी पास्ट हिस्ट्री, वी आर ग्लोरिफाइंग आवर पास्ट हिस्ट्री इन मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, राइट. इन मॉन्यूमेंट्स की वजह से वी कैन ग्लोरिफाई आवर पास्ट हिस्ट्री प्लस हमारा इनकम जनरेट होता है, फायदे दोनों तरफ से है. इसीलिए प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन कंपल्सरी ऑफ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट, क्योंकि इससे हम लोग हमारे पास्ट हिस्ट्री को ग्लोरिफाई कर सकते हैं एंड प्लस हमारा इनकम जनरेट होता है, इसीलिए प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पूरे यू नो व्हाट जितने भी वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट है, ये जितने भी हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज साइट है, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड ऑल, इसकी संभालने की जिम्मेदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दी है,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि हमारे इंडिया में जितने भी कल्चरल हेरिटेज साइट है उनको संभाल के रखें, पहली बात। दूसरी बात, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर द आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज, इवन इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज जो है उसके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इन सब मॉन्यूमेंट्स को संभाल के रखे, कुछ जनरेशन और अलग अलग वर्ड फॉरेस्ट के लिए। नाउ अब इनको प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए हम लोगों को क्या लगता है भाई, हम लोगों को एक्सपोर्ट्स की जरूरत होती है, ऐसे नहीं इसको प्रिजर्व और कंजर्व अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर को पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखो ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट्स कैन बी हैंडल्ड विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द ओरिजिनल स्टेट। मतलब क्या, उसके ओरिजिनल स्टेट को, उस ओरिजिनल जो यू नो व्हाट उसकी जो ओरिजिनलिटी है या फिर हम लोगों को देखने मिलता है उसका वो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करना है, करते जा रहा है ओरिजिनल को, अगर हम लोग यू नो व्हाट ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसको चलेंगे आने वाले फ्यूचर को हम लोग क्या बताएंगे, फिर फ्यूचर के सामने एग्जाम्पल क्या रखेंगे, राइट। तो उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है, वो जैसे है वैसे ही उसको रखना है, बट उसको सिर्फ क्या करना है, संभालना है उसको, उसको वक्त के हिसाब से रिपेयर करना है, कहीं पे रिपेयरिंग की जरूरत है तो उसको रिपेयर करो। नेक्स्ट इज अ लोकल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल चैलेंज फेस्ड बाय देम इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड देयर एक्सपेक्टेशन कैन बी सर्वे। लोगों को भी बहुत पब्लिक की सेंटीमेंट्स जुड़े हुए रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर व्हेन आई टॉक अबाउट द सीएसटी स्टेशन, आई स्टे इन मुंबई, राइट, सीएसटी स्टेशन जो है वो मेरे मुंबई मुंबई सिटी में रहते हैं, सिटी का एक कल्चरल हेरिटेज साइट है, और उसको के अगर बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं क्या सोच रही हूँ कि वो वैसा ही रहना चाहिए और बाहर के लोग आके उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो क्या अभी क्या होता है ना कि वो उस हम लोगों को सीएसटी स्टेशन की अगर बात करेंगे तो बड़ा स्टेशन है, उसकी बिल्डिंग जो है राइट, वहाँ पे हम लोग जाते हैं टिकटिंग वहाँ पे टिकटिंग का सेक्शन है, वहाँ पे जाके टिकट निकालते हैं, बीएमसी का बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे बीएमसी कर्मचारी काम करते हैं, लाइक बीएमसी के जितने भी वर्कर्स है मतलब बसेस है वो लोग काम करते हैं। अब उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर जो है वो तोड़ दिया गया और उसको नया बनाया गया, वहाँ के जितने क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं, राइट, बट उनको प्रॉब्लम्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स ही पूछ के लेना है कि उसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो बिल्डिंग को कंटिन्यूसली रिपेयर करना, क्योंकि अगर सपोज वो बिल्डिंग ऐसे बहुत पुरानी है, सीएसटी स्टेशन या बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है अभी जो बृहन मुंबई महानगर पालिका हो गया, वो बिल्डिंग को रिपेयर करना जरूरी है ना, क्योंकि वहाँ के लोग बोलेंगे ना नहीं भाई इसको रिपेयर करो, इसी वजह से हम लोगों को ये दिखे वो दिक्कत होती है, अगर ये टूट गया तो हम लोग बहुत सारे लोग मरेंगे, तो ये सब चीजें उनको प्रॉब्लम उनके पूछ। Due precautions can be taken avoiding the hurting sentiments of local people. Local लोगों के sentiments को hurt किए बगैर project को complete आज हम try करते हैं of that particular heritage site. जैसे elephanta cave. When I talk about the elephanta cave, हम लोगों को ये देखने मिलता है कि वहाँ में island में जो रहने वाले लोग हैं उनके sentiments जुड़े हुए हैं elephanta cave से, तो उनको सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बगैर एलिफेंटा केव को प्रिजर्व एंड कंजर्व करना, बिकॉज इट्स इन साइट नहीं, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड, लोगों को ही इसमें इन्वॉल्व, लोकल लोग अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो फायदा हम लोगों को होगा, क्योंकि उनको उन सब चीजों के बारे में पता होता है ना। Systematic plan can be designed to employ the local skill in creative way and create the better opportunity of livelihood. लोगों की स्किल्स का इस्तेमाल करना है और उनको उनकी क्रिएटिविटी बतानी है, जैसे एलिफेंटा केव की तरफ अगर आप जाओगे वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखाई देते हैं, वो लोग अलग अलग छोटे छोटे खिलौने वगैरह बनाते हैं और वहाँ पे रखते हैं, की चेन्स बनाते हैं, या फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि छोटी छोटी मूर्तियां होती है वहाँ पे बेचते हैं, ये सब चीजें। अब उन लोग अपना आर्ट
लोग जो है वो चीजें बना रहे हैं और शो केस आई मीन हम लोगों को देखने मिलता है शो पीसेस होते हैं, तो वो शो पीसेस लोग क्या करते हैं खरीदते हैं उस पर, वो लोग अपना क्रिएटिव वो शो पीस बना के बता रहे हैं एंड हम लोग उसको जाके खरीद रहे हैं, तो उससे उन लोगों की डेली लाइफ चल रही है। प्लस वहाँ के बहुत सारे लोगों ने क्या वहाँ के लोगों ने वहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन किए जिससे उनकी क्या उनकी भाई डे टू डे लाइफ चलती है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे इन हम लोगों को देखने मिलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यही बोलता है बट विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ लोकल पीपल राइट, एंड प्लस उनका इन्वॉल्वमेंट उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। affiliate professional field the knowledge of this can be support supportive decision making with regards to responsibly vision public policies in the following field. Museum and archives, preservation and conservation guide, tourism and hospitality, entertainment and mass media. affiliated professional field matlab kya applied history ye jo topic hai iske through hum log kya ban sakte hai ya iske through hum log से प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। हम लोग म्यूजियम और आर्काइव के क्यूरेटर बन सकते हैं। क्यूरेटर उनको कहा जाता है जो म्यूजियम और आर्काइव ओपन करते हैं। वी कैन सर्व एंड कंजर्व हेरिटेज साइट। हम आर्कियोलॉजी साइट को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हम लोग वहां पे होटल सकते हैं, रेस्टोरेंट, जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको हम लोग सर्व कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, हम लोग इसके चैनल बना सकते हैं, चैनल बना के हम लोग बना सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं राइट, या फिर चैनल है एपिक चैनल है डिस्कवरी चैनल है राइट, वैसे ही लोग अभी यूट्यूब पे बनाने लगे अपना चैनल, तो ऐसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो दिस आर द प्रोफेशनल फील्ड इन अप्लाइड हिस्ट्री। अभी डू यू नो द अर्लीस्ट म्यूजियम 6th सेंचुरी BCE वर्ल्ड during the excavation in Mesopotamia, the excavation were conducted by Sir Leonardo Bulli. This museum 1922-1934, this museum was built by the prince of Mesopotamia. Her name was Ingladi. She herself was a curator of museum. Now, noteworthy feature of that museum is the clay table inscribed over the description of exhibited artifact. Now, सबसे पहले 6th century BCE में हम लोगों को देखने मिलता है मेसोपोटामिया। आज अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इराक और ईरान का एरिया आता है, स्पेशली ईरान का एरिया हम लोगों को देखने मिलता है, जो आज हम लोगों को देखने मिलता है कि आज का करंट जो इराक और ईरान है वो पहले के जमाने में इट्स एन ओल्डेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड। इराक जो है इंडिया वर्ल्ड का बहुत ओल्ड सिटी है, तो उसमें आता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में एक रानी थी, व्हेन शी वाज अ क्यूरेटर इंग्लाडी नन्ना का एक्चुअल नाम जो है दैट इज नन्ना ऑफ मेसोपोटामिया। तो एक बहुत छोटी सी सिटी थी और उस सिटी में वो प्रिंसेस हुआ करती थी एंड हम लोगों को ये देखने मिलता है कि शी वाज इटसेल्फ शी वाज अ क्यूरेटर। क्यूरेटर मतलब उनको बहुत ऐसे शौक था पुराने हिस्टोरिकल मतलब जितने पुराने सभी के जमाने मतलब 6th सेंचुरी से भी पहले के चीजें। आज हम लोग जब म्यूजियम में जाते हैं तो हम लोग 400 500 या 1000 साल पुराने चीजें देखते हैं। इंग्लैंडी नन्ना 6th सेंचुरी BCE में प्रिंसेस थी और 6th सेंचुरी से भी पहले के जितने भी आर्टिफैक्ट्स है या फिर कोई इंस्क्रिप्शन है उनको जमा करना और एक रूम में रखना ये उनका पेशा था। मीन्स शी वॉज अ क्यूरेटर एंड हम लोगों को ये देखने मिलता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया था जहाँ पे पुराने उनसे भी पहले मतलब इंग्लैंडी नन्ना का जो यू नो बट उनके एंसेस्टर्स या उनसे भी पहले जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था पीपल यूज़ टू कम एंड विजिट एंड दे यूज़ टू सी द डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो व्हाट इंस्क्रिप्शन थे वहां पे। जैसे ये देखो ये इंस्क्रिप्शन ये टेप ऐसे लगेगा कि एक पत्थर है बट दिस इज जिसके ऊपर लिखा गया है पहले वाला इंस्क्रिप्शन है। तो ये सब इंग्लैंडी नन्ना अपने म्यूजियम में जमा करती थी एंड वो सिटी में रहने वाले जितने भी लोग है ना दे यूज्ड टू कम एंड विजिट हर म्यूजियम।
बट हम लोगों को देखने मिलता है कि वक्त के हिसाब से यू नो व्हाट मेसोपोटामिया, ये जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन चेंज होता है. मेसोपोटामिया जो है ये सिटी जो है वो बाढ़ आई या फिर यू नो व्हाट अर्थक्वेक आया, वी रियली डोंट नो एक्चुअल रीजन, और ये सब सिटी दब गई. एंड जब 1922 और 34 में एक्सकोवेशन हुआ, लियोनार्डो द वुल्ली, सॉरी लियोनार्डो द वुल्ली वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट, जब उन्होंने एक्सकोवेशन किया, एक्सकोवेशन में उनको एक पुराना म्यूजियम दिखा जो इंगलाडी नन्ना ने बनाया था. हम लोगों को ये देखने मिलता है कि ये म्यूजियम लोगों के सामने आया एंड ये आज हमारे पास बहुत मीन्स यू नो व्हाट आज हम लोगों को देखने मिलता है, स्पेशली इराक एंड ईरान के पास एक बहुत अच्छा, अगर मैं बोलूंगी तो एक सोर्स है जिसके थ्रू हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. एवरी फील्ड इंजीनियर रिक्वायर्ड एक्सपर्ट विद स्पेशलाइज्ड स्किल, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट, इंजीनियर, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर, सोशियोलॉजिस्ट एंड आर्काइव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट, स्किल्ड फोटोग्राफर एक्सेट्रा. ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट. द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट फॉर मेनी मोर फील्ड इज रिक्वायर्ड. दिस एक्सपर्ट नीड टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द एंशियंट साइट, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रक्चरल रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स. प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटी इन दिस प्रोफेशनल्स. दिस लर्न्ड अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इन पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. Using knowledge of history for this purpose to enhance the professional skill of people and develop industrial commercial field to carry out preparatory work and plan of effective implementation of heritage project etc. It is essential to avoid vandalizing of historic and public places and to ensure that they are preserved for the benefit of future generation. Now हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है इसका यू नो व्हाट इसको पढ़ के फायदा क्या है, बट यू नो व्हाट हम लोग इंजीनियर बनेंगे, आर्किटेक्चर बनेंगे, तो हम लोग पुराने हिस्टोरिकल साइट्स को भी विजिट कर सकते हैं, पुराने हिस्टोरिकल साइट्स को भी प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं, वहां पे भी अपनी कारागिरी बता सकते हैं, हिस्टोरियन बन सकते हैं जो बुक्स लिखते हैं, पुराने हिस्ट्री पे किताबें लिखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं जो पुराने मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करता है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है. राइट, हम लोग म्यूजियम क्यूरेटर भी बन सकते हैं, मतलब खुद का म्यूजियम भी ओपन कर सकते हैं. हम लोग सोशियोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, मतलब पुराने और नए ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर लिखना कि पुराना ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसा था, उनके रीति रिवाज कैसे थे और हमारे नया ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसा है और उनके रीति रिवाज कैसे है. फिर आर्काइव मैनेजमेंट, आर्काइव मैनेजमेंट मतलब छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, उनको प्रिजर्व करके रखना. राइट, फिर उसके बाद में प्रोफेशनल्स, हम लोग लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं खुद की. लीगल एक्सपर्ट्स, हम लोग लीगल एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, जैसे मैं देवदत्त पट्टनायक जी के बारे में बोलती हूँ, लाइक ही इज अ फेमस माइथोलॉजिस्ट, उनको किताब दिया गया है, वी नो अबाउट द उपनिषद, वेद, पुराण एंड एवरीथिंग. एंड हम लोग लीगल एक्सपर्ट भी, हम लोग लॉयर भी इसमें बन सकते हैं. स्किल्ड फोटोग्राफर, हम लोग अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स की फोटोग्राफी कर सकते हैं, पुरानी सिटीज की फोटोग्राफी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे तो भानगढ़ फोर्ट इज एन हॉन्टेड फोर्ट, ये किसने बताया, कुछ कैमरामैन और कुछ फोटोग्राफर्स ने वहां पे फोटोज निकाले एंड फिर वहां पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जो भूत एंड ऑल, वो सब कॉन्सेप्ट चलता है, उसके बारे में लोगों को बताया. सिंपल सी बात है, स्किल्ड फोटोग्राफर अलग अलग एंगल में फोटोज निकालते हैं. दिस यू नो व्हाट, ऑफ कोर्स हम लोग ये बोलेंगे कि ये कुछ एक्सपर्ट्स है, बहुत कुछ एक्सपर्ट्स है, कुछ एक्सपर्ट्स के नाम आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, बट देर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट फील्ड है अप्लाइड हिस्ट्री में या हिस्ट्री में, बहुत सारे एक्सपर्ट फील्ड है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे. एंड दिस एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड, हम लोगों को इन एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही एक्सपर्ट्स जो है ये हमारे कल्चरल हेरिटेज साइट और नेचुरल हेरिटेज साइट को प्रिजर्व और कंजर्व करने में मदद करते हैं और आने वाले जनरेशन को हम लोग हमारे कल्चरल मतलब खराब ना. राइट, तो क्या मतलब बनता है, सो वी रिक्वायर्ड सच काइंड ऑफ एक्सपर्ट एंड वी रिक्वायर्ड सच काइंड ऑफ यू नो व्हाट आर्किटेक्चर्स एंड इंजीनियर्स, ये लोग हमारे कल्चर और नेचुरल हेरिटेज साइट को संभालेंगे, उसकी देखभाल करेंगे और वही चीज, यही कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज जो है, हमारे
फ्यूचर जनरेशन के लिए और फॉरेन टूरिस्ट के लिए रख सकते हैं, राइट। तो इसमें कमर्शियल ये जो स्किल्स है जैसे इंजीनियर आर्किटेक्चर्स, इन लोगों को जैसे हिस्टोरिकल इंजीनियर आर्किटेक्चर्स होते हैं, इनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन सिटीजन। तो हम लोगों को उसको वेंडलाइज नहीं करना है, चारकोल से लिखना, पानखा के थ्रू। देयर इज सम टेक्निकल इशू, वन सेकेंड, होल्ड ऑन। तो यहाँ पे हम लोगों को यही सब चीजें दिखाई देती है, राइट। दिस म्यूजियम इज वेरी फेमस एंड यू नो फेमस म्यूजियम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज हम लोगों को देखने मिलता है, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू फ्रॉम माय साइड, ठीक है। डन, हम लोगों का टॉपिक ये खत्म हो गया। ये जो ब्लू बॉक्स और ऑरेंज बॉक्स है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वैसे तो आपका टॉपिक पूरा ये खत्म हो गया है, ब्लू बॉक्स एंड जो बचा हुआ ब्लू बॉक्स और ऑरेंज बॉक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी और इसके ऊपर आंसर भी दे दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। और होमवर्क जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी डोंट हैव टाइम, आपका ब्रेक खत्म हो जाएगा, आपका 5:45 को, वैसे 4:45 को नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। आपको मैंने आज जो भी पढ़ाया उसमें कुछ भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर द डे, हैव फन, मजे करो, बाय बाय।